गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग वर्ड नरेश शब्द से लिया गया है। नर्सिंग वर्ड को किससे लिया गया है? नर्सिंग वर्ड नरेश शब्द से लिया गया है। नरेश का मतलब होता है केयर करना। नरेश का मतलब क्या होता है? केयर करना। केयर करना कौन सी केयर करते हैं? प्रिवेंटिव पीसीआर केयर। कौन सी? पीसीआर केयर, प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव, रिहैबिलिटेटिव। सर्विसेज प्रोवाइड करना, सर्विसेज प्रोवाइड, ठीक है। कहाँ पर? नर्सिंग वर्ड नरेश शब्द से लिया गया है। नरेश का मतलब होता है केयर करना। कौन सी केयर करते हैं? पीसीआर केयर, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव, ठीक है। किसको? हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। कहाँ पर प्रोवाइड की जाती है? कम्युनिटी में जाकर। कहाँ पर? कम्युनिटी में, कम्युनिटी में जाकर हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है? कम्युनिटी में जाकर हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना ही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कहा जाता है। क्या होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन? समझ में आई लाइव स्टूडेंट्स और हमारे सभी स्टूडेंट्स? अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट सेशन हो तो वो हमारे चैनल पर कमेंट्स कर सकता है किसी भी डाउट से संबंधित, या हमारी कोई पुरानी वीडियोस जो हैं उनका कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट्स वीडियो पर कमेंट्स कर सकता है, या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8949495067 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है किसी भी डाउट सेशन को पूछने के लिए, उसका हम रिप्लाई करेंगे साथ के साथ ही। या फिर या फिर 9772241331 पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकता है। अगर कोई भी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी सब्जेक्ट में अगर, तो वो हमारे या तो वीडियो पे कमेंट कर सकता है या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट कर सकता है, ठीक है। आया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग समझ में? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है? नर्सिंग वर्ड नरेश शब्द से लिया गया है। नरेश का मतलब होता है केयर करना। कौन सी केयर करते हैं? प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। कहाँ पर? हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए। किसको? हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए। हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कहाँ करते हैं? कम्युनिटी में जाके, एम्स हॉस्पिटल में। आप कौन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी में जाकर हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना। कहाँ पर? कम्युनिटी में जाकर हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना। किससे प्रति? प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करके, ठीक है। आए यहाँ तक, कोई भी डाउट हो तो हमारे चैनल को कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। आया समझ में? क्या होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग? इसके बाद आती है कम्युनिटी हेल्थ, क्या होती है कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होती है कम्युनिटी, देखो कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होती है? कॉमन, कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी एक कॉमन एरिया होता है, कॉमन एरिया। कम्युनिटी के लोग इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? कम्युनिटी के लिए एक दूसरे पे क्या रहते हैं? इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। और जियोग्राफिकल एरिया क्या होता है? सेम रहता है। जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया क्या होता है? सेम रहता है। जियोग्राफिकल एरिया क्या होता है? सेम रहता है। इंटरडिपेंडेंट रहते हैं और एक दूसरे पे क्या करते हैं? इंटरेस्ट रखते हैं। इंटरेस्ट होता है एक दूसरे पे, इंटरेस्ट सेम क्या रहता है? इंटरेस्ट रहता है। क्या होता है कम्युनिटी का? आई समझ में? कम्युनिटी क्या होता है? कॉमन एरिया होता है, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे पे। और जियोग्राफिकल एरिया क्या होता है? समान होता है और एक दूसरे पे क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट रहते हैं।
ठीक है, क्या होती है कम्युनिटी, आई समझ में? इसके बाद आती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, आई समझ में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन, ठीक है, और कम्युनिटी की क्या होती है कम्युनिटी, और आती है इसके बाद आती है हेल्थ, हेल्थ की डेफिनेशन, हेल्थ हेल्थ इज ए स्टेट, हेल्थ इज ए फिजिकल फिजिकल मेंटल सोशल स्पिरिचुअल वेलबींग नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज। क्या होती है कम्युनिटी, कम्युनिटी की डेफिनेशन आई समझ में, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, ठीक है। उसके बाद आती है हेल्थ, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल स्पिरिचुअल वेलबींग नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज। जैसे कोई भी व्यक्ति मेंटली रूप से स्वस्थ है, या समाज रूप से स्वस्थ है, या स्पिरिचुअली या फिजिकली रूप से स्वस्थ है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेल्थी पर्सन कहा जाता है। यदि कोई भी फिजिकली रूप से अनस्वस्थ है, स्वस्थ नहीं है, या मेंटली रूप से नहीं है, या सोशल रूप से नहीं है, या स्पिरिचुअल रूप से कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, तो उसको हेल्थी पर्सन नहीं कहते हैं। हेल्थी पर्सन किसे कहते हैं, हेल्थी पर्सन किसे कहते हैं, वह पर्सन जो कि फिजिकली मेंटली सोशली स्पिरिचुअली, ठीक है, सभी रूप से स्वस्थ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, हेल्थी पर्सन कहा जाता है। आया समझ में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन, कम्युनिटी की डेफिनेशन और हेल्थ की डेफिनेशन। जो कोई भी हमारे लाइव स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर किसी को स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकता है। बार बार बोला जा रहा है कि अगर किसी भी पर्सन को स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकता है, या हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है। किसी भी डाउट हो तो कोई भी 8949495067 पर व्हाट्सअप कर सकता है। कोई भी डाउट हो तो वो डाउट पूछने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कर सकता है, ठीक है, उसको तुरंत की तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, या वन आवर के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। आई कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डेफिनेशन, कम्युनिटी की डेफिनेशन और हेल्थ की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद आता है हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना, हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कैसे करते हैं, हेल्थ स्टेटस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन, हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कैसे करते हैं, हेल्थ इम्प्रूव कैसे करते हैं। कोई भी डिसीज लेते हैं जिसके कि मोर्टलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट, ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो हमारे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकता है, ठीक है। हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए क्या समझते हैं, मोर्टलिटी रेट को डिक्रीज करना, क्या मोर्टलिटी रेट को डिक्रीज करना और मॉर्बिडिटी रेट को डिक्रीज करना, मॉर्बिडिटी रेट को डिक्रीज करना। मॉर्टिलिटी मॉर्बिडिटी क्या होती है, मॉर्टिलिटी क्या होती है, मॉर्बिडिटी क्या होती है, मॉर्टिलिटी क्या होती है, डेथ रेट क्या रहती है, डेथ रेट। डेथ रेट जिसको कम्युनिटी में जाकर हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कर रहे हैं, किसको, मॉर्बिडिटी रेट को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, मॉर्बिडिटी को डिक्रीज करते हैं। मॉर्बिडिटी क्या होती है, हेल्थ रेट को, डेथ रेट को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। और मॉर्बिडिटी क्या होती है, डिसीज रेट, डिसीज रेट। डिसीज रेट कम्युनिटी में जाके डेथ रेट को और डिसीज रेट को कम किया जाता है, यही क्या रहते हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स, मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी हेल्थ इंडिकेटर्स, ठीक है। आए हेल्थ इंडिकेटर्स समझ में। अब क्वेश्चन आता है बेस्ट हेल्थ इंडिकेटर्स कौन सा होता है, बेस्ट हेल्थ इंडिकेटर्स, आपका क्वेश्चन है एक, बेस्ट हेल्थ बेस्ट हेल्थ इंडिकेटर्स कौन सा है, बताएगा कोई भी स्टूडेंट लाइव वाला कमेंट करके बताए, बेस्ट हेल्थ इंडिकेटर कौन सा होता है, बेस्ट हेल्थ इंडिकेटर्स कौन सा होता है,
इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट इन्फेंट मोर्टिलिटी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बेस्ट हेल्थ इंडिकेटर वर्ल्ड में और इंडिया में, कहाँ पर वर्ल्ड में एंड इंडिया में, इंडिया में या कम्युनिटी में, या कम्युनिटी में बेस्ट हेल्थ इंडिकेटर कौन सा होता है? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। वैसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं लेकिन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ही क्यों बोलते हैं, यह भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इसी को ही इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ही क्यों बोलते हैं, ठीक है। इन्फेंट मोर्टिलिटी का सबसे बड़ा कॉज क्या रहता है? इन्फेंट मोर्टिलिटी का सबसे बड़ा कॉज क्या रहेगा? प्री मैच्योरिटी। क्या रहती है? प्री मैच्योरिटी या लो बर्थ वेट बेबी। पहला क्या रहता है? प्री मैच्योरिटी, प्री मैच्योरिटी या लो बर्थ वेट बेबी। सेकंड क्या रहता है? लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहता है? प्री मैच्योरिटी। फर्स्ट चॉइस क्या जाएगी? प्री मैच्योरिटी। अगर क्वेश्चन में आता है फर्स्ट चॉइस किसको देते हैं? प्री मैच्योरिटी को। और सेकंड चॉइस किसको देते हैं? लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। बेस्ट हेल्थ इंडिकेटर कौन सा होता है वर्ल्ड में और इंडिया में, और कम्युनिटी में कौन सा रहता है? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। बेस्ट हेल्थ इंडिकेटर कौन सा रहता है? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है? प्री मैच्योरिटी या लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। लाइव स्टूडेंट्स रनिंग नोट्स बना सकते हैं सभी। आया समझ में यहां तक? आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आगे, मैटरनल मैटरनल मॉर्बिडिटी मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा रहता है? मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा रहता है बताए कोई भी स्टूडेंट्स, अगर किसी भी स्टूडेंट्स पे आता हो तो बताए। मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा रहता है? एनीमिया। क्या रहता है? एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया ब्लड में, ठीक है। मोस्ट कॉमन कौन सा रहता है? एनीमिया। इसके बाद आता है मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कौन सा है बताया कोई भी? हीमोरेज। कौन सा रहता है? हीमोरेज। हीमोरेज हीमोरेज कई करते हैं, एपीएच, पीपीएच और पोस्टपार्टम हेमोरेज। कौन सा? पीपीएच। कोई भी क्वेश्चन में आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है कौन सा। अगर क्वेश्चन में आ जाता है हीमोरेज लिखा या पीपीएच लिखा आ जाता तो क्या रहता है? मोस्ट कॉमन मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट कौन सा रहता है? पीपीएच या हीमोरेज, ठीक है। मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट कौन सी रहती है? कॉज कौन सा रहता है? एनीमिया, ठीक है। या और मॉर्टिलिटी कौन सा रहता है? हीमोरेज या पीपीएच, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन आता है कम्युनिटी की बैकबोन कौन सी होती है बताएगा कोई भी स्टूडेंट्स, कम्युनिटी लाइव स्टूडेंट्स या कोई भी हमारे प्रिय कॉलेज के स्टूडेंट्स। अगर आप किसी पे स्टूडेंट्स को आता हो कि कम्युनिटी की बैकबोन कौन सी रहती है, कम्युनिटी की बैकबोन की बैकबोन कौन सी रहती है, कम्युनिटी की बैकबोन कौन सी है? होम विजिट। कौन सी रहती है कम्युनिटी की बैकबोन? होम विजिट, ठीक है। और हॉस्पिटल की बैकबोन कौन सी रहती है? हॉस्पिटल की बैकबोन।
कम्युनिटी की बैकबोन होम विजिट्स, और हॉस्पिटल की बैकबोन कौन सी रहती है, ठीक है, नर्स, कौन सी रहती है, नर्स, ठीक है। कम्युनिटी की बैकबोन कौन सी होती है, होम विजिट, और हॉस्पिटल की बैकबोन कौन सी रहती है, होम नर्स रहती है, ठीक है। हॉस्पिटल की बैकबोन कौन सी रहती है, नर्स, और कम्युनिटी की बैकबोन कौन सी रहती है, होम विजिट, ठीक है। अगर कोई भी आया समझ में सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है, क्या रहती है, कम्युनिटी की बैकबोन कौन सी रहती है, होम विजिट, और हॉस्पिटल की बैकबोन कौन सी रहती है, नर्स। हमारे सभी स्टूडेंट्स, लाइव स्टूडेंट्स, सभी को समझ में आ रहा हो तो हमारे कमेंट में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, कम्युनिटी में जाकर हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी केयर, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। क्या होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी में जाकर हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना, ठीक है, कौन सी केयर देके, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद आती है कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या होती है, कम्युनिटी क्या रहती है, कॉमन एरिया रहता है, इंटरडिपेंडेंट है, ज्योग्राफिकल एरिया क्या रहता है, ठीक है, समान रहता है। उसके बाद आती है हेल्थ की डेफिनेशन, हेल्थ इज ए स्टेट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेल बींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिसीज, ठीक है। अब इसके बाद आता है इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, कोई बताएगा इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंस इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में क्या डिफरेंट है, ठीक है, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन में क्या क्या डिफरेंस रहता है। इम्यूनाइजेशन मतलब क्या रहता है, इम्यूनाइज और वैक्सीनेशन मतलब क्या होता है, वैक्सीनेशन या प्रोसेस, क्या रहती है, प्रोसेस। इम्यूनाइजेशन मतलब प्रोसेस, ठीक है। वैक्सीन द्वारा एडमिनिस्टर करके इम्यूनिटी को इंक्रीज करना, क्या करना, इम्यूनिटी को इंक्रीज करना, ठीक है। और वैक्सीनेशन मतलब कोई भी बच्चे को क्या डिफरेंट क्या है, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, किसी भी पर्सन को क्या लगाई, वैक्सीन लगाई, ठीक है, वैक्सीन क्या कर दी, एडमिनिस्टर कर दी, ठीक है, उसको क्या मिली, इम्यूनिटी नहीं मिली, तो उसको क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। और वैक्सीन लगाने के बाद पेशेंट को क्या मिल गई, इम्यूनिटी, उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। आया समझ में इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन क्या होता है, किसी भी पर्सन को, जैसे ही बच्चे को BCG की वैक्सीन लगाते हैं एट बर्थ पे 0.05 ml, अगर उससे 0.05 ml BCG की वैक्सीन लगा देती है, वो TB से प्रिवेंट करती है। अगर पेशेंट को, बच्चे को BCG की वैक्सीन लगाई, अगर BCG की वैक्सीन से बच्चे को वैक्सीन तो लगा दी, बट उससे क्या, इम्यूनिटी नहीं मिली, तो उसको क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। रिकॉर्ड में तो वैक्सीन चढ़ गई, लेकिन वैक्सीन से क्या नहीं मिली, इम्यूनिटी नहीं मिली, तो उसको क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। और वैक्सीन लगाने के बाद इम्यूनिटी मिल गई, उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। आया समझ में इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन में डिफरेंस क्या है, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। वैक्सीन तो लगा दी बट उससे इम्यूनिटी नहीं मिली, उसको क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। और वैक्सीन लगाने के बाद इम्यूनिटी मिल गई, उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आता है कोल्ड, आई समझ में। अब सबसे पहले वैक्सीन को रखते कहां पर है, कोल्ड चेन, ठीक है, कोल्ड चेन। ठीक है, कोल्ड चेन, ठीक है। स्टेट लेवल पर कहाँ पर रहती है, सबसे पहले स्टेट लेवल पर रहती है, ठीक है। और कहाँ पर रहती है, स्टेट लेवल पर रहती है, डिस्ट्रिक्ट पर रहती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहती है, और PSC पर रहती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहती है, और थर्ड PSC पर रहती है, PSC लेवल पर रहती है, और कहाँ रहती है, सब सेंटर पर रहती है, ठीक है। कोल्ड चेन कहाँ पर मिलती है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, PSC पे और CSC पे, ठीक है। स्टेट लेवल पे क्या रहता है, डॉक्टर मेंटेन करता है, कौन, कोल्ड चेन को कौन मेंटेन करता है, डॉक्टर मेंटेन करता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कौन मेंटेन करता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी डॉक्टर मेंटेन करता है, ठीक है। स्टेट लेवल पे कोल्ड चेन को कौन मेंटेन करता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, और PSC पर भी डॉक्टर मेंटेन करता है, ठीक है।
आया समझ में, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और पीएससी लेवल पे, पब्लिक हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और स्टेट हॉस्पिटल, ठीक है। उनमें कोल्ड चेन को कौन मेंटेन करता है? डॉक्टर मेंटेन करता है। एक आता है सब सेंटर, ठीक है, सब सेंटर पर डॉक्टर नहीं रहता है, सब सेंटर पर डॉक्टर नहीं रहता है, तो यहाँ पर कौन मेंटेन करती है? ANM, ठीक है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोल्ड चेन के फेलियर होने के चांस यहाँ पर ही रहते हैं। ANM सब सेंटर क्या रहती है? ANM कौन रहती है? सब सेंटर की परिवारी रहती है। ANM कौन रहती है? सब सेंटर की परिवारी रहती है, ठीक है। कोल्ड चेन सबसे ज़्यादा ठीक है प्रभावित होने के यही चांस रहते हैं। ANM परिवारी रहती है और फर्स्ट डॉक्टर नर्स के बीच में फर्स्ट कॉन्टैक्ट यहाँ पर रहता है। पीएससी लेवल पर डॉक्टर और नर्स के बीच में फर्स्ट कॉन्टैक्ट रहता है, ठीक है। सब सेंटर पर ANM रहती है जो कि सब सेंटर की परिवारी रहती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सब सेंटर। सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन पर रहता है, ठीक है, सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन पर रहता है? ठीक है, सब सेंटर, ठीक है, 3,000 से 5,000 पॉपुलेशन पर रहता है। 3,000 हाईली एरिया और 5,000 पे प्लेन एरिया, ठीक है। 3,000 पे हाईली एरिया, 5,000 पे प्लेन एरिया पर, ठीक है। सब सेंटर पे कितने वर्कर कार्य करते हैं? 3 वर्कर कार्य करते हैं, ठीक है। सब सेंटर, ठीक है, 3 वर्कर कार्य करते हैं। कौन कौन से रहते हैं? सबसे पहले आती है ANM। कौन रहती है सब सेंटर पर? ANM, एक्जिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, ठीक है। और ये कितने ईयर का कोर्स रहता है? 2 ईयर का कोर्स करने के बाद फीमेल ANM अपना कोर्स कर लेती है, उसके बाद जॉब मिल जाती है, ठीक है। एक आती है आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, ठीक है। और एक रहती है आशा, ठीक है। ANM सन 1973 में किसके साथ आई थी? करतार सिंह कमेटी, करतार सिंह कमेटी के साथ आई थी, करतार सिंह कमेटी, ठीक है। ANM किसके साथ आई थी? 1973 में करतार सिंह कमेटी के साथ आई थी। और आंगनवाड़ी वर्कर 1975 में किसके साथ? ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। आंगनवाड़ी वर्कर 1975 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ आई थी, ठीक है। ANM किसके साथ आई थी? 1973 में करतार सिंह कमेटी के साथ, आंगनवाड़ी वर्कर 1975 में ICDS के साथ आई थी। इसके बाद आई थी आशा सहयोगिनी, आशा 2005 में किसके साथ आई थी? नेशनल हेल्थ मिशन। आया समझ में? सब सेंटर कि 3,000 से 5,000 पॉपुलेशन पर रहता है, 3,000 हाईली एरिया पर और 5,000 प्लेन एरिया पर, ठीक है। सब सेंटर पर 3 वर्कर कार्य करते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, ANM और आशा सहयोगिनी। आशा सहयोगिनी 1975 में करतार सिंह कमेटी के साथ आई थी, ठीक है। ANM और आंगनवाड़ी वर्कर 1975 में ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम से, आशा सहयोगिनी 2005 में NRHM के साथ आई थी। आया, इसके बाद आता है इम्यूनाइजेशन। आपने पढ़ाया था, डिफरेंट बताया था इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, क्या होता है इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में क्या डिफरेंट रहता है। इम्यूनाइजेशन आप पढ़ते हैं, इम्यूनाइजेशन, नाइजेशन, ठीक है। अगर किसी भी पर्सन को हमारे पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, बार बार बोला जा रहा है कि अगर किसी पर्सन को कोई भी डाउट सेशन हो तो वो हमारे कमेंट कर सकता है, हमारी वीडियो पर कमेंट कर सकता है, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 8949495067 पर मैसेज कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है इम्यूनाइजेशन, क्या होता है इम्यूनाइजेशन आपको बताएंगे। इम्यूनाइजेशन
ठीक है। यह क्या है, पूरा वर्ल्ड है एक प्रकार से, यह क्या है वर्ल्ड, ठीक है। यह क्या है इंडिया, इंडिया, ठीक है। और यह क्या अपना घर, अपना होम। कोई भी चीज़ आती है सबसे पहले वर्ल्ड में आती है, उसके बाद इंडिया में आती है, और फिर उसके बाद अपने एरिया में आती है, ठीक है। ठीक है, इसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड का हेल्थ स्टेटस कौन देखता है, WHO देखता है। वर्ल्ड का हेल्थ स्टेटस कौन देखता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या देखता है, अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कौन देखता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, जेनेवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा में। हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में स्थित है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को क्या मनाता है, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ डे की स्थापना की थी 7 अप्रैल 1948 में, किसने, WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में, ठीक है। इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। आया समझ में, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया था, 7 अप्रैल, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, अगर क्वेश्चन में आ जाता है इंडियन हेल्थ डे कब मनाया जाता है, या क्वेश्चन में आ जाता है इंडियन हेल्थ डे, तो आंसर क्या जाएगा, 7 अप्रैल। कोई भी चीज़ हम वर्ल्ड मनाते हैं तो इंडिया में ऑटोमेटिक ही मनाई जाती है। जैसे दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है तो वो हर स्टेट में मनाया जाता है, ठीक है। इसीलिए वर्ल्ड में जो चीज़ मनाई जाती है वो इंडिया में ऑटोमेटिक ही मनाई जाती है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे या इंडियन हेल्थ डे कोई भी कन्फ्यूज नहीं होना है। कितने को मनाते हैं, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे या इंडियन हेल्थ डे मनाया जाता है। आया क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, जेनेवा में स्थित है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे या इंडियन हेल्थ डे मनाया जाता है, और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, ठीक है। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स रनिंग नोट्स भी बनाया करो। इसके बाद है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है। 1974 में एक्सपेंडेड EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कब बनाया जाता है, 1974 में। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कब बताया था, पहले बताया था, जो चीज़ वर्ल्ड में आती है सबसे पहले कहाँ आती है, WHO किसको देता है, वर्ल्ड को देता है, उसके बाद क्या आई थी, इंडिया में आई थी, ठीक है। 1974 में कब आई थी, वर्ल्ड में आई थी, कब आई थी, वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद 1978 में कब आई थी, इंडिया में। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन इम्यूनाइजेशन सबसे पहले कब आया था, सबसे पहले 1974 में कब आया था, 1974 में वर्ल्ड में आया था, उसके बाद 1978 में इंडिया में आया था, ठीक है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आया समझ में यहाँ तक, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल सबसे पहले कहाँ पर आया था, वर्ल्ड में आया था 1974 में, उसके बाद इंडिया में आया था 1978 में, ठीक है। आप जानते हो हमारा देश शक्तिशाली है, तो कोई भी चीज़ वर्ल्ड में आती है रोकने वाला तो है नहीं, इंडिया ने अपना खुद का बनाया, इंडिया ने अपना खुद का बनाया, ठीक है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इंडिया ने अपना खुद का बनाया, कब बनाया था, 1985 में इंडिया ने अपना खुद का बना लिया, इंडिया ने अपना
खुद का बनाया कब 1985 में इंडिया ने अपना इम्यूनाइजेशन खुद का बना लिया था। इसका नाम रख दिया नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। उसका नाम क्या रख दिया नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। 1974 में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आया था जिसका नाम एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन रखा था। 1974 में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आया था उसका नाम 1974 में इंडिया में डबल वर्ल्ड में आया था, ठीक है। उसका नाम क्या रखा था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। उसके बाद 1978 में इंडिया में आया था, ठीक है। उसके बाद इंडिया एक शक्तिशाली देश है, इंडिया रोकने वाला नहीं है। उसने 1985 में इंडिया ने अपना खुद का बना लिया इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। उसका नाम रख दिया नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो तो बता दो, ठीक है। आया समझ में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इंडिया में कब आया था, वर्ल्ड में कब आया था, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, ठीक है। अब यहीं पर हम अपनी क्लास को समाप्त करते हुए अगली क्लास देखेंगे कल, ठीक है। अगर हम किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट सेशन में या हमारे यूट्यूब चैनल की पे जाके कमेंट कर सकते हो, डाउट सेशन पूछ सकते हो या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो रहा हो तो हमारे कमेंट सेशन में कमेंट करें, ठीक है। और हमारे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। थैंक यू जॉइनिंग फॉर दिस क्लास।